What is going on, guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. And guys, आज आप लोग खेल रहे दोबारा से Roblox में Built to Survive Challenge. And guys, आप लोग देख सकते हो, actually अपन लोग already किसी और के घर में है यहाँ पर, और अपन अभी नीचे नहीं जा रहे क्योंकि नीचे monsters आए हुए guys. ये देखो नीचे बहुत सारे monsters. Oh shit! नहीं, नहीं! Oh no 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 no! भाई 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 मरा मैं, मरा मरा बहुत बुरा मरूंगा मैं. अरे मार डाला मेरे को. चलो कोई बात नहीं यार, मर ही गए तो अपना बेस बना ही लेते. क्या बोलते हो चॉप आउट भाई? जल्दी स्टार्ट करो, वो मॉन्स्टर है तो फिर आएंगे आपकी तरफ ब्रो. अरे मेरे तरफ तो नहीं आ रहे. ओके चलो. ओके गाइस, तो ये देख सकते हो हमारी लॉबी में अभी दो बंदे हैं इधर, और एक ये तीसरा. चॉप अपना बेस बनाएगा, तब तक मैं अपना बनाता हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑलराइट, सबसे पहले तो अपने को अपना फाउंडेशन रेडी करना है. तो फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट डिसाइड करके एंड आसमान में जाने लगता हूँ. बहुत सिंपल है. लाइक आप लोगों ने अभी तक काफी सारी बेसिस देख चुकी है हमारी, तो इसीलिए आई डोंट थिंक मेरे को आपको समझाने की जरूरत है. ओके, तो वो है हाइट जहां तक आप बेस बना सकते हो. तो मैं सोच रहा हूँ यही तक बनाने वाला हूँ. इनफैक्ट यू नो वो थोड़ा और नीचे ही बनाते हैं यार, अपन लोग बहुत ज्यादा एरिया बर्बाद कर देते हैं. ओके गाइस, आई थिंक दिस शुड बी गुड इनफ. एंड चलो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपनी बिल्डिंग. तो बिल्डिंग के लिए गाइस इस बार अपन यूज करने वाले हैं सम नाइस स्टफ. ठीक है, इस बार कोई भी नौटंकी नहीं होने वाली है. मेरे को कुछ आइडियाज मिले, उनको यूज करूंगा मैं. तो सबसे पहले तो अपन लोग ये घास यूज करेंगे जमीन के ऊपर. देख सकते हो बहुत ही बढ़िया लग रही है. भाई ये तो सही में अच्छा आइडिया है ब्रो. ओए कॉपी नहीं करेगा? हाँ ये बात, देख रहे हो कॉपी करेगा मेरे को लगता है ये गाइस. ऑलराइट, तो इधर मैं चाहता हूँ इस बार जो हमारा घर हो ना वो थोड़ा जंगल वाइब दे मेरे को. तो गाइस इसीलिए अपन लोग यहाँ पर पूरा का पूरा घास यूज करने वाले हैं. एंड उसके बाद जैसे जैसे आगे जाऊंगा अपना बेस को और अपग्रेड एंड और इनहेंस करते जाऊंगा. ऑलराइट, तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर इज रेडी. अब मेरे को इसी के ऊपर काम अपना जो है वो कम्प्लीट करना है. ओके, इसको एक्चुअली मैं सेंटर पीस कैसे खोजूंगा फिर? पता है मेरे को यहाँ पे गड्ढा ही रखना चाहिए गाइस, ज्यादा बेटर है. गड्ढा नहीं भी रख रहा हूँ तो एटलीस्ट दूसरे कलर का ब्लॉक रखो ताकि याद रहे ये एंट्रेंस यहीं से बनानी है मेरे को. ऑलराइट, तो गाइस अब अपन लोग फटाफट से काम करते हैं. यहाँ पे मैं बेस लेआउट रेडी कर देता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ. लेट्स गो. ऑलराइट गाइस, तो फाइनली अपू लोग ने अपना घर यहाँ पर कर लिया है रेडी. एंड भाई 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 बहुत ज्यादा टाइम लग गया गाइस. ओ भाई अंगड़ाई आ रही है मेरे को, थक चुका हूँ मैं. वेट लेट मी चेक द टाइम, कितनी देर से बना रहे अपन लोग? होल्ड ऑन. ओ भाई डेढ़ घंटे हो गए मेरे को. व्हाट भाई, अरे नीचे गिर गया ब्रो. अबे नूबड़े, अब क्या बताऊं मैं इस बार यहाँ पे. अरे अरे ये स्कैम है भाई, ये पानी किसी काम का नहीं है. ऊपर से मैंने सीढ़ी भी तोड़ दिया. अबे तू ऊपर कैसे जा रहा है यार? व्हाट भाई, इसको कहते हैं प्लेन की निंजा टेक्निक ब्रो. अरे मेरे को भी प्लेन चाहिए, कहाँ से लिया तूने? व्हाट भाई, शॉप में जाके आप भी ले सकते हो ब्रो. अच्छा ऐसा क्या? रुको भाई मेरे को दिख नहीं रहा है, वेट अ सेकंड. अच्छा हाँ ये रहा प्लेन, और $1000 में हो भी जा रहा है. यू नो व्हाट, चलो अपन लोग भी प्लेन ले लेते हैं. लेट्स गो. ऑलराइट गाइस, टाइम फॉर सम प्लेन एक्शन. अरे क्या बात है दोस्त, आजा चौप ऊपर आजा, जल्दी आजा, जल्दी से टूर देता हूँ मैं तेरे को अपनी बिल्डिंग का. ऑलराइट फोर्ट भाई, अभी आया, डोंट वरी, मैं तो ऑलरेडी ऊपर पहुंचा हुआ. अरे व्हाट द हेल, एक सेकंड रुको मेरे को उतरने दो. ओ अरे अटक गई प्लेन भाई, प्लेन हटा दे. अरे कहाँ आ गया मैं? ओके हाँ, तो गाइज ये रहा हमारा खूबसूरत बेस. ठीक है, इसको मैं बेस बोलूंगा, घर तो मेरे को पता नहीं है कैसा घर बना दिया मैंने, मेरे को काफी खूबसूरत लगा वैसे. तो सबसे पहले तो एंट्री पे आपको यहाँ पर काफी सारे पेड़ देखने को मिलते हैं, ये खूबसूरत वाटरफॉल और नीचे ग्रीनरी ही ग्रीनरी. मतलब भाई कोई चीज की टेंशन नहीं है, ये घर थोड़ा सा एज पे बनाया मैंने, देख रहे हो आप लोग है भाई, जगह का पूरा इस्तेमाल किया गया है. ऑलराइट, इधर भी मैंने सोचा था कुछ कुछ ऐड कर सकता हूँ बट टाइम नहीं मिला एंड मैंने सोचा हटाओ यार. ऊपर से यहाँ पर हम लोगों ने रिस्पॉन पॉइंट भी सेट कर दिया, जस्ट इनकेस अपन लोग मरेंगे तो यहाँ रिस्पॉन हो जाएंगे. ये हमारे घर का दरवाजा है, एंट्रेंस है, दरवाजा मैंने रखा नहीं, मेरे को लगा भाई इतनी ऊंचाई पे कौन ही चढ़ पाएगा, तो इसीलिए अपन लोग ने दरवाजा इंक्लूड ही नहीं किया. तो भाई इमेजिन करो रात में चोर वगैरह आ जाएंगे तो भाई, अबे क्या पानी के रास्ते आएंगे क्या? और पानी भी ऑल द वे नीचे जा नहीं रही है वैसे. ऑलराइट एनीवेज मूविंग ऑन, अपन लोग आते हैं लिविंग एरिया में. एंड यहाँ पर हमारा सोफा है अपना, आई मीन ये क्या है भाई, आई थिंक ये लिविंग रूम का टेबल है. उसके बाद यहाँ पर डुअल टीवी सेटअप है भाई, मस्त लग रहा है. दोनों तरफ हम लोगों ने पॉट्स लगा दिए, फ्लावर पॉट्स, ताकि वाइब जो है बढ़िया है. यहाँ पर आप लोग देख सकते हो माइक्रोवेव, ब्लेंडर, टोस्टर, हैंड वॉशर, बहुत सारी चीजें हैं. यहाँ पे मैंने स्टोव नहीं रखा है एक्चुअली, मेरे को वो भी एड ऑन कर देना चाहिए. डोंट वरी आप लोग, मान लो स्टोव यहीं पर है. और गाइस यहाँ पर हमारा डाइनिंग एरिया है भाई, बहुत ही ज्यादा झकास. एक बार में आई थिंक 6 लोग यहाँ पर डाइन कर सकते हैं. यहाँ पर अपना कबर्ड, ये रहा हमारा फ्रिज. एंड हम लोगों ने यहाँ पर लाइटिंग में कोई कमी नहीं रखी है, देख रहे हो जितनी लाइट डाल सकता था सारी मैंने इंक्लूड कर दी है. और भाई लेकिन एक बात बताओ, इतनी
लाइट का बिजली का बिल आपका पापा भरेगा। अरे भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, वैसे भी मैं अकेले ही रहता हूँ इस घर में। राइट लेट्स गो। अरे टकरा गया भाई। तो घर में आपको जगह जगह पर ऐसे लैडर्स देखने को मिलेंगे। एक लैडर सिस्टम मैंने यहाँ भी लगाया था, पता नहीं मैंने इसको शायद कनेक्ट करना भूल गया मैं, बट डोंट वरी। ये रहा हमारा बिस्तर। डॉक्टर भाई एक बात बताओ, ये वाला फ्लोर सबसे मेस्ड अप लगा मेरे को ब्रो। ऐसा क्यों दोस्त, ये फ्लोर तो बहुत ही ज्यादा झकास बनाया मैंने। डॉक्टर भाई ये बिस्तर बालकनी पे क्यों है ब्रो? ये थोड़ा मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला है कि तुमने बिस्तर को बालकनी में क्यों रखा, तो जरा इस घर का हुलिया देख के बताना मैं बिस्तर रखता तो रखता कहा ग्राउंड फ्लोर पे? भाई वहाँ तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर भाई तो आप रूम बना लेते ब्रो, ये क्या है, ये शैंडिलियर के लिए जगह बनाई है क्या आपने? अब सही समझे तुम, यहाँ पे शैंडिलियर जाने वाला है लंबा सा, लेकिन एक्चुअली इस गेम में शैंडिलियर है नहीं और मेरे को बनाने का टाइम नहीं मिला तो इसलिए अपन लोग ने रखा नहीं। बट यू गेट द आइडिया, अपन लोग यहाँ पर से एक बड़ा सा शैंडिलियर रखने वाले, झूमर। और ये रहा हमारा बिस्तर। बिस्तर में ठंडी ठंडी हवा आएगी, मस्त बंदर वगैरह आएंगे तो भाई मार के भगाएंगे, मच्छरदानी लगानी पड़ेगी। और मैं सोच रहा हूँ इधर ग्लास से कवर कर सकते हैं, ठीक है, इसका कोई बड़ा इशू नहीं है, मैं बाद में भी कर दूंगा इसको, डोंट वरी। अभी के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा खुली हवा के लिए इसको ओपन रखा है गाइस। ऑलराइट, और ये हमारा वॉशरूम है भाई। मैं यहाँ पर लिटरली बता रहा हूँ ब्लॉक्स नहीं लगा पा रहा था, कितनी भी कोशिश कर लूं ब्लॉक्स लग ही नहीं रहे थे ब्रोज, इसलिए मेरे को ऐसा ही बनाना पड़ गया। ये तो काफी एफिशिएंट है, इधर से भी तुम यूज कर सकते हो, उधर से भी यूज कर सकते हो। और जब भी यूज करो लोगों को बोल देना इस फ्लोर पे ना आने के लिए, नहीं तो उनको कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलेगा जो शायद वो जिंदगी में कभी भुला ना पाए। तो भाई आप तो लोगों का सपना बर्बाद कर दोगे ब्रो। नहीं भाई मेरे को अच्छा घर लगा ये, चल तेरी बात नहीं मान रहा मैं। ऑलराइट, ये थोड़ा सा टॉयलेट मेरे को दोबारा शिफ्ट करना पड़ेगा, बट डोंट वरी। नाउ मूविंग ऑन टू आवर थर्ड एंड फाइनल फ्लोर। यहाँ पर भाई काफी खूबसूरत नजारा है, देख सकते हो छत पे टीवी वगैरह लगा दिया है मैंने, सब आप लोग बैठ के यहाँ पे सोफे पर रिलैक्स कर सकते हैं, बात वगैरह कर सकते हैं, खुली हवा आते रहेगी। एक्चुअली पहले मैंने सोचा था कि यहाँ पर बिस्तर लगाऊ अपना बेड, लेकिन बाद में सोचा कि शायद वो आइडिया इतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आई डोंट नो बेड एक्चुअली अच्छे से फिट नहीं हो रहा था। यहाँ पर मेरे दो बेड भी लगा दिए ना, तब भी मेरे को अनइवन ब्लॉक्स मिल रहे थे दोनों साइड, लाइक एक तरफ दो ब्लॉक छूट जा रहा था, एक तरफ एक ब्लॉक छूट जा रहा था, और देखने में मेरे को बहुत गंदा लग रहा था गाइस। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि बेड अपन नीचे शिफ्ट करेंगे एंड यहाँ पर बनाएंगे अपना चिलिंग जोन। और मेरे को थोड़े और पौधे इधर लगाने हैं, बट आप लोग देख सकते हो पेड़ लगा दिए मैंने, पौधे लगाए नहीं क्योंकि काफी रिपीटेटिव हो जाता है, इसको मैं बाद में इंप्रूव करूंगा। और गाइस ये लैडर जो है, यहाँ पर मैं स्विमिंग पूल बनाने वाला था, आई एम नॉट इवन जोकिंग भाई, क्या लगता ना स्विमिंग पूल, बट भाई अपन लोग ब्लॉक लिमिट टच कर गए। लाइक देखो कितना बड़ा घर है, दूर से कितना खूबसूरत लगता है, मैग्निफिशेंट है गाइस, बहुत ही ज्यादा यूनिक स्ट्रक्चर बनाया मैंने भाई। बहुत सोचा, बहुत समझा चीजों को, उसके बाद अपन लोग ने इस घर को फाइनली बना लिया है। तो आप लोगों को ये घर कैसा लगा कॉमेंट में जरूर से बताना, 10 में से कितनी रेटिंग करोगे जरूर से लिखना, चॉप तू कितना देना चाहेगा? तो भाई मैं तो इसको 10 में से 7 नंबर दूंगा। अबे नूबड़े, अच्छा घर ही है, 7 नंबर कम है भाई, मैं 10 में से 9 दूंगा इसको। मानता हूँ कुछ चीजें और बढ़िया हो सकती थी, बट अब क्या करोगे भाई, 1.5 घंटे से लगाऊ मैं, मेरा भी दिमाग खराब हो गया भाई, कितना सोचना पड़ा है मैं ही जानता हूँ। ऑलराइट गाइस, अपना घर तो हो गया, नाउ इट्स टाइम फॉर मिस्टर चॉप का घर। तो चलो फटाफट से चलते हैं उसके घर के ऊपर, लेट्स गो। भाई ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच गए। भाई तूने भूल भुलैया बना के रखी है क्या? भाई आई नो कि आपको थोड़ा मंदिर वाला वाइब आ रहा होगा, बट ट्रस्ट मी ब्रो, काफी बढ़िया घर बनाया है मैंने। अरे ये क्या है? अरे भैया क्या हो गया मेरी प्लेन को? ओके चलो भाई साहब, लाश की तरह ये देखो, ये कैसे घर में एंट्री कैसे दिलवा रहा है, बैंक में चोर कैसे घुसते हैं भाई, उस तरह अपन लोग घुस रहे इसके घर में। भाई तो अब ऊपर से आओगे तो कैसे एंट्री दिलाऊंगा ब्रो? अबे अंदर नहीं आ पा रहा मैं भाई, कुछ करेगा अपनी इस फालतू से एंट्री का? भाई साहब फिट ही नहीं हो रहा मैं। भाई अब आप मोटी पेट वाला आदमी हो तो मैं क्या करूं ब्रो? अबे ओ मोटी पेट मत बोल मेरे को। और ये क्या रिस्पॉन पॉइंट यहां सेट करके रखा है तूने? भाई ऐसे कौन करता है कोने में सेट? ओ अबे कहां गया भाई, मैं नीचे गिर गया। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस बिहेवियर, अब लोग नीचे कैसे गिर गए? चलो कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ, फिर से आ रहा हूँ, डोंट वरी। ओइंग, ओके निकल चुका हूँ मैं दोबारा चॉप के घर पर। भाई बड़ा टाइम लग रहा है, चलो 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 प्लेन थोड़ा जल्दी चल ले भाई, टाइम नहीं है अपने पास। तो भाई वो प्लेन बहुत स्लो प्लेन है, आपको गिरने के लिए किसने बोला था ब्रो? अबे तेरे घर में छेद है, पहले वो फिक्स कर ले, बाद में बोलियो गिरने के लिए किसने बोला था ब्रो। भाई साहब लिटरली बंदे के घर में छेद है। ओके चलो चलो बस थोड़ा सा और ऊपर एंड उसके बाद अपन लोग आजाद हो जाएंगे। भाई आपको मैं उतनी देर से अपना घर दिखाना चाहता हूँ, आप प्लेन उड़ाए जा रहे हो ब्रो। अरे मैं जानबूझ के नहीं उड़ा रहा ब्रो। ओके हो गया, चलो ऑलराइट, आई मेड इट इनसाइड। हाँ अब बताओ इधर क्या है ब्रो? तो भाई आप खुद भी तो देख सकते हो ना भाई। अरे ये लैपटॉप किधर काय को लगाया है? तो भाई वो क्या है, कभी कभार सुबह सुबह जूम मीटिंग पे जाना पड़ता है, कूल अटेंड करना पड़ता है, तो यही से भाई मुंह धोया और निकल गए ब्रो। अबे तो बाथरूम में क्यों है भाई, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मतलब कुछ भी रख दिया तूने। चलो कोई बात नहीं, अब अपन लोग क्या ही कर सकते, हमारा घर तो है ना कहीं। ओके ये क्या है भाई, ये क्या है यहाँ पे, किसने टीवी किचन में
क्या कर रहा है भाई तू? किचन में कपड़े धोएगा, उसके टीवी देखेगा, खाना बनाएगा, क्या करेगा तू? गुड भाई, अपन टीवी देखते देखते खाना बनाएगा। अबे ये क्या नया शौक पाल के रखा है भाई? एक चिंगारी लगेगी ना गैस लीक की, पूरा घर उड़ जाएगा तेरा। चलो कोई ना, अभी आगे चलते। अबे गेट खोल ले भाई, गेट ही नहीं खुलता इस नुबड़े का। ऑलराइट, इसको खोलो खोलो खोलो, इसको नहीं खुल रहा है ये भाई। कोई भी घर नहीं खुल रहा, कोई गेट ही नहीं खुलता है। व्हाट भाई, आप मेरे को फॉलो करो ना ब्रो, आप इधर उधर काहे को जाते हो? तो ये लिविंग रूम है भाई, बहुत कंजस्टेड नहीं बना दिया इस बार तूने? इतना कॉम्पैक्ट घर है ये, देखो इधर भाई माइक्रोवेव के साथ लैपटॉप चलाया जा रहा है। अरे बहुत बढ़िया, तुमको तो पीठ पे शाबाशी मिलेगी भाई। हे भगवान, काफी मस्त घर लग रहा है, देखो कितना खूबसूरत है मेरा घर। और एक तरफ इसका घर है भाई, भद्दा सा घर है भाई। क्या बना के रखा है ये? क्या ये फॉल सीलिंग बनाई है क्या तूने? ओह माय गॉड, ये क्या है भाई? लग रहा है 2-3 क्लास के बच्चे को क्रेयॉन पकड़ा दिया हो किसी ने। व्हाट भाई, अब चलते हो मेरी कारीगरी से? भाई इसको कारीगरी से जलना नहीं कहते, ठीक है? कोई भी ब्लॉक यूज किया है तूने यहाँ पे? यहाँ पे लाइक पूरा आलसी पना दिखाया गया है गाइज। और ये रहा इसका बेडरूम, वाह, मतलब कुछ भी हो जाए व्यू तेरे को फ्रॉस्टी भाई के ही घर का चाहिए है। व्हाट भाई, आपका बेड भी तो मेरे को देख रहा है ना ब्रो? हाँ, अपन दोनों एक दूसरे को बेड पे लेट के देखेंगे। नाइस भाई, यही काम रह गया है। और यहाँ पे भी माइक्रोवेव अवन, अबे नूबड़े, तेरे को लगता है अवन का मतलब समझ में नहीं आता है ब्रो? माइक्रोवेव अवन कहीं भी घुसाने के लिए नहीं रहता है, समझा? व्हाट भाई, देखो मेरे को जहाँ सही लगा मैंने लगा दिया, मेरे को दिमाग मत खराब करो ब्रो। ऑलराइट, चलो गेट खोलो, गेट खोलो, नेक्स्ट रूम, चलो जल्दी। उधर एक रूम बच गया है मेरे को, अभी वो भी देखने का है। ऑलराइट, गेट, अरे गेट बंद हो गया। ओके हो गया, चल खोल इसको, खोल। ये क्या? अच्छा नहीं, ये वाला नहीं था, कौन वाला था ये? अच्छा नहीं, सारे हो गए एक्चुअली। व्हाट भाई, आप भी वही तो, मैं सोचूं कौन सा रूम बच गया है ब्रो। ओके तो गाइस, अच्छा छत पे कैसे जाऊंगा मैं, जरा ये बताना ब्रो। व्हाट भाई, छत पे जाने के लिए अपने को इसके ऊपर से जाना पड़ेगा ब्रो। अबे नहीं जा पा रहा हूं। ओ अच्छा, जंप करके पहुंच गया। अरे क्या ये भाई, पूरा मंदिर बना के रखा है इसने। यार बहुत गंदा घर बनाता है भाई ये चौप का बच्चा। गाइस आप लोग क्लियरली देख सकते हो, अपू लोग का घर एक तरफ उधर है और एक तरफ इसका है भाई। कौन सा आपको ज्यादा बढ़िया लगा बताना? मैं तो इसके घर को 10 में से 4 नंबर दूंगा, बहुत ही ज्यादा वाहियात भाई साहब। कुछ भी कहीं भी कैसे भी लगा दिया गया है, घर में कोई एस्थेटिक्स नहीं है। ओहो, मेरे को मारने की प्लानिंग चल रही है। डॉट भाई, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के बारे में बकवास रेटिंग देने की ब्रो? अरे तू क्या जानता है ब्रो, ओ शिट टोर्नेडो आ गया भाई। तू तो गया दोस्त, तेरा घर तो गया। अच्छा नहीं, टोर्नेडो इसके घर पे नहीं आया, वो आसपास घूम रहा है। अच्छा वो मेरे घर के पास जाएगा क्या? आई डोंट नो। बट गाइस अभी तक मेरे को मेरा घर जो है सबसे वन ऑफ द बेस्ट लगा, ठीक है? आप लोगों को ऐसा लगा कमेंट बताना। एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हमेशा की तरह स्टे फ्रॉस्टी।